हाय गाइस, दिस इज शहजाद अहमद एंड वन कमिंग लेक्चर नंबर 38। आज हम सेलेक्ट इवेंट हैंडलर के बारे में देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं सेलेक्ट इवेंट, या हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड हम थोड़ा सा एग्जांपल भी देखेंगे। मेक श्योर हम जेक्यूरी पे काम कर रहे हैं तो जेक्यूरी की फाइल आपकी अटैच होनी चाहिए जो हम उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इनपुट बनाते हैं एंड टाइप रखते हैं उसकी टेक्स्ट टेक्स्ट रखते हैं एंड आईडी रखते हैं उसकी हम टेक्स्ट। ओके, एंड हम स्पैन बनाते हैं एक एंड उसकी आईडी हम सेट करते हैं फीडबैक। ओके, फीडबैक आईडी। हम वापस चलते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं कोड को। आपको बताया कि मेरे पास सेलेक्ट डॉट एच टी एम एल के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है, सेलेक्ट डॉट एच टी एम एल। हमारे पास एक टेक्स्ट है, यह है। अब हम करना क्या चाहते हैं कि जो भी हम टेक्स्ट दें और जैसे ही हम उसे सेलेक्ट करें तो हमें स्पैन में हम कुछ दिखा दें कि हाँ भाई कुछ सेलेक्ट हुआ है। फॉर इंस्टेंस, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट है, हेयर इज शहजाद फ्रॉम हैदराबाद। तो जैसे ही मैं हैदराबाद को सेलेक्ट करता हूँ, दैट मीन्स कि कुछ सिलेक्शन हुई है, आपने कुछ सेलेक्ट किया है। तो चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ एंड हम इवेंट चूज करते हैं। और हमारे पास हमने टेक्स्ट के नाम से आईडी रखी हुई है, तो टेक्स्ट देंगे डॉट सेलेक्ट। जब सेलेक्ट हो तो फंक्शन चले हमारा, जो कॉल बैक होगा एंड फंक्शन हमारा कॉल बैक चले एंड फिलहाल के लिए हमें अलर्ट करवा दे समथिंग हैपेंड। वापस चलते हैं एंड हियर इज शहजाद अहमद। ओके, हम जैसे ही कुछ सिलेक्ट करते हैं, सॉरी सिलेक्ट, हम वापस चलते हैं शहजाद अहमद। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं कोई चीज़, तो आपको पता है कि हमें अलर्ट मिल चुका है। हम वापस चलते हैं एंड हमने जो फीडबैक के नाम से एक आईडी बनाई थी उसे कॉल करते हैं फीडबैक एंड एच टी एम एल। बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है हमारी, हम एच टी एम एल के बारे में भी देखेंगे लेकिन अपने कुछ अगले लेक्चर्स में। हम देते हैं कि भाई समथिंग सेलेक्टेड। ओके, वापस चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं शहजाद अहमद। ओके, हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि डिव अपीयर हुई है हमारे पास और हमें पता चल गया कि कुछ सेलेक्ट हुआ है। रियल टाइम एग्जांपल्स आप कैसे सेट कर सकते हैं कि आपने कोई टेक्स्ट फील्ड रखी या आपने कोई टेक्स्ट रखा हुआ है, जैसे ही यूज़र उसे सेलेक्ट करे तो कोई एनिमेशन आए या जो है किसी टाइप का कलर रेड हो या फॉन्ट साइज चेंज हो, आप ऐसे कुछ कर सकते हैं। ये तो हमारा सेलेक्टर के बारे में, सेलेक्ट के बारे में जो हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।